जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी एमटीएस फॉर्म एडिट आपको कैसे करना है उसके बारे में, जहां पर आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा और आपको ये भी बताया जाएगा कि अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो फिर अब आप क्या कर सकते हैं और क्यों आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है वो आपको बताया जाएगा। एंड अगर गाइज यहाँ पर आपके फ़ोटो में प्रॉब्लम है तो फोटो आपको कैसे सही तरीके से अपलोड करना है वो भी आपको बताया जाएगा, क्योंकि आज की डेट में यानी कि 15 अगस्त में आपका अपडेट आया फोटो को लेकर के, जिसमें कि आपको बताया गया है कि आपको ये प्रिंट करा लेना है। वो प्रिंट कराने के बाद में इस बॉक्स को आपको काट लेना है और काटने के बाद इस बीच में आपको आपका सिग्नेचर करना है, क्योंकि इस तरह के आपके सिग्नेचर एक्सेप्ट नहीं होंगे। और साथ ही साथ किस तरह का फोटो एक्सेप्ट होगा उसका एक आपको डेमो दिया है और किस तरह के फोटो एक्सेप्टेड नहीं है वो भी आपको यहाँ पर बताया है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है इसमें जब आप फॉर्म को एडिट करेंगे तब। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए, क्योंकि गाइस रात में ही मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। आप देख सकते हैं रात के 12 बजकर के 1 मिनट हुए हैं, 16 अगस्त 2024 अभी रियल टाइम आप देख सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैं स्पेशल एफर्ट कर रहा हूं तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है ये आप ओपन कीजिएगा। इसको ओपन करने के बाद आपको सभी जानकारी चेक करने के बाद इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आना है। आप यहां पर सभी नोटिस देख सकते हैं, जैसे कि आपका जो एग्जाम डेट है वो 30 सितंबर से 14 नवंबर 2024 के बीच में होगा। और फिर यहां पर गाइस जो आपकी इसमें करेक्शन की डेट है वो भी आ चुकी है। करेक्शन डेट क्या है वो भी आप यहां पर एक बार देख लीजिए। तो इसमें जो आप करेक्शन करेंगे वो 16 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त 2024 यानी कि आपके पास सिर्फ दो ही दिन का समय है आपके फॉर्म को करेक्ट करने के लिए। अब चलिए, आपने यहां पर एसएससी की वेबसाइट के ऊपर आकर के लॉग इन कर लिया और लॉग इन करने के बाद में आपको यहां पर माई एप्लीकेशन के सेक्शन में आना है। अब आप यहां पर देखेंगे री अप्लाई का ऑप्शन। अगर आपके सामने री अप्लाई का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे और आपको अगर एप्लीकेशन स्टेटस में सक्सेस के अलावा कुछ और दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि आपका फॉर्म का जो डिटेल है वो वेरीफाई नहीं किया है और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, या फिर ये कह लीजिए कि जो आपने पहले फॉर्म भर रखा है वही आपका फाइनल फॉर्म माना जाएगा। एक तरीके से वो रिजेक्ट की कैटेगरी में ही चला जाता है, क्योंकि अगर उसको फाइनल मान रहे हैं तो फिर गाइज उनको आपका एडिट का ऑप्शन यहां पर दिया होना चाहिए था। अगर मैं यहां पर किसी अन्य फॉर्म का स्टेटस चेक करता हूं तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टेटस में एप्लीकेशन पेंडिंग आ रहा है। तो अगर आपका भी कुछ ऐसा ही आ रहा है इसका मतलब है कि आपका फॉर्म का डिटेल वेरीफाई नहीं हुआ। और अगर आपको रीअप्लाई का ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो आप रीअप्लाई के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने आपकी पर्सनल डिटेल आएगी। ये जो वाली इंफॉर्मेशन है ये जो आप देख सकते हैं इसको आप एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी वो इंफॉर्मेशन है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी। तो अगर आपको इनमें से किसी इंफॉर्मेशन को एडिट करना है, जैसे कि आपका नाम, आपका फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब इंफॉर्मेशन, तो आप यहां पर कैंडिडेट डैशबोर्ड के ऊपर आइए और फिर आप यहां पर एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल इस तरफ ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आप यहां पर जो आपकी पर्सनल डिटेल है जिसमें कि आपका नाम और आपकी अन्य इंफॉर्मेशन है वो सब एडिट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं आधार कार्ड का ऑप्शन दिया है, फिर आपका नाम, फिर आपका जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका फादर नेम, आपका मदर नेम, 10वीं का जो बोर्ड नेम है वो, 10वीं का रोल नंबर, पासिंग ईयर, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन और आपका ईमेल और साथ ही साथ आपका नंबर भी, ये सब भी आप चेंज या फिर वेरीफाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहां पर ये डिटेल्स एडिट या मॉडिफाई कर लेंगे तो आपको नंबर और ईमेल के ऊपर ओटीपी सेंड करके उसको वैलिडेट करना है एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहां से ओके करना है। फिर आप एडिशनल डिटेल में आपकी कास्ट कैटेगरी, आपकी नेशनलिटी, आपका विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, ये सब चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आप यहां पर करेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि आपका एड्रेस, आपकी स्टेट, आपकी डिस्ट्रिक्ट, आपका पिन कोड या फिर प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपको करना है वो आप कर लीजिए और फिर सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। फिर इसके बाद आप यहां पर टिक करके इसको डिक्लेयर कर दीजिए और यहां से ओके कर दीजिए। अब गाइस फिर से आप यहां पर आएंगे और उसके बाद में आपको यहां पर माय एप्लीकेशन के सेक्शन में आना है और रीअप्लाई के ऊपर क्लिक करके जो आपकी पर्सनल डिटेल है वो आप यहां पर अब देखेंगे जो आपने अभी एडिट की है वो यहां पर दिखाई देगी। फिर आप नीचे की तरफ आइए और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद गाइस यहां पर जो आपने फॉर्म भरते समय जानकारी भरी थी वो अब आप यहां पर एडिट या मॉडिफाई या फिर कह लीजिए कि करेक्शन कर सकते हैं। तो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 10th की इंफॉर्मेशन अभी आपने रजिस्ट्रेशन के समय भरी थी तो आप उसी प्रोसेस में जाकर के इन जानकारी को एडिट या मॉडिफाई करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया है। अभी इस सेक्शन में आप यहां पर आपका बोर्ड का नाम और आपकी जो परसेंटेज है वो ही चेंज कर सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ये वाली डिटेल 10th वाली आपसे रजिस्ट्रेशन करते समय ले ली जाती है और मैं आपको बता चुका हूं कि वो आपको कैसे करनी है। अब आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और यहां से ओके कर देंगे। फिर आएगी एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट, जैसे कि क्या आप एक सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो। फिर क्या आपको आई सीमा के अंदर छूट चाहिए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो। और फिर 23 पॉइंट ऑप्शन में चाहे आप यस करें चाहे नो करें, आपके फॉर्म के ऊपर कोई
प्रभाव नहीं पड़ेगा। एंड देन आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 आएगी जहाँ पर आप आपके एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंसेस को चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। 25 ऑप्शन है कि मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, तो आप अगर गलती से कोई और लैंग्वेज दे दिए थे तो आप उसको अभी सुधार कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो आपकी पोस्ट प्रेफरेंसेस है वो भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसमें भी आपको चेंज करने के ऑप्शन दिए हैं, जो भी आपको चेंज करनी है। अगर आपको लगा था कि यार मैंने गलती से कोई और प्रेफरेंस दे दी और अब मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ, तो आप कर लीजिएगा, पूरा ऑप्शन यहाँ पर एक्टिव है। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब आते हैं फोटो एंड साइन। तो गाइज फोटो एंड साइन में आपको बहुत ही अच्छे से चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक बार फिर से दिखाता हूँ, SSC ने 15 अगस्त में ये एडवाइजरी यहाँ पर जारी की है, जो कि आप देख सकते हैं कि आपको ये बोला है कि अगर कोई रीजन है आपका साइन का या फिर साइन आपका ऐसा नहीं है जो कि यहाँ पर दिया है, तो आपको क्या करना है, इसको PDF को प्रिंट करा लेना है और ये जो बॉक्स है ये आपको काट लेना है। इसको काटने के बाद में इसके बीच में आपको आपका साइन करना है और फिर आपको यहाँ पर ये साइन अपलोड करना है। और अगर साइन सही से एडजस्ट ना हो तो फिर मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है हमारी वेबसाइट का, ये आप जब ओपन करेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो को वॉच करके आप देख लीजिएगा कि कैसे आपको डायमेंशन और फिर जो आपका साइज है वो बनाना है, ताकि आप जब इस इमेज में अपना साइन करें और अगर उसका साइज कम ज़्यादा हो जाए तो फिर आप इस वीडियो को वॉच करके उसको एडजस्ट कर सके और फिर वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो आपको यहाँ पर इस PDF के अंदर साइन का भी साथ ही साथ फोटो का भी डेमो दिया है, तो सिर्फ ऐसा ही फोटो आपको लगाना है। अगर आपको लगता है कि मेरा ऐसा फोटो नहीं है फॉर्म के अंदर जब आप इसको एडिट कर रहे हैं, तो आपको गाइज उसको सही कर लेना है, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आप सिंपली कट के ऊपर क्लिक करके, क्रॉस के आइकन के ऊपर क्लिक करके आपके इमेज को यहाँ से हटा करके नया इमेज अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे इमेज के अंदर ऐसा इमेज नहीं है जैसे कि अभी मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस के अंदर दिखाया है, और जैसे ही आप ये सब कर ले तो आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर से आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। अब आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कीजिए और उसके बाद में आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए और फिर जो कैप्चर कोड आपके सामने आ रहा है ये कैप्चर कोड आप यहाँ पर भरेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। अब आप देख सकते हैं फॉर्म रिसीव्ड सक्सेसफुली, कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग, और यहाँ पर है मेक पेमेंट का ऑप्शन। तो यहाँ पर सभी कैंडिडेट से ₹200 एप्लीकेशन फीस ली जा रही है और ये मुझे काफ़ी गलत लग रहा है, क्योंकि CGL के वक्त भी ऐसा किया था। CGL के वक्त SC ST और फीमेल से कोई फीस नहीं ली जा रही थी, बट जब वो फॉर्म एडिट की तरफ जा रहे थे तो वहाँ पर उनको फीस पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा था। तो उन्होंने एक नया तरीका निकाला है आपसे फीस ऐंठने का, क्योंकि ये बहुत ही गलत चीज़ है। जब इन्होंने पहले फीस कम रखी थी, या फिर इस एडिट का फिर फायदा ही क्या है अगर आपसे फीस ली जा रही है, और वो भी डबल, फॉर्म्स में सिर्फ 100 ली गई थी और अभी यहाँ पर 200 ली जा रही है। ये सिंपली भी इसको लिंक को एक्टिवेट कर सकते थे बिना फीस का ऑप्शन डाले, पर इन्होंने डाला है। तो आपको क्या लगता है वो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अभी तो आपको ये फीस देनी होगी, अगर आपने जो ये इसमें मॉडिफिकेशन किए हैं, आप चाहते कि ये मॉडिफिकेशन फाइनल माने जाए, तो आप पे के ऊपर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर फीस पे करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप नेट बैंकिंग के थ्रू फीस पे कीजिए, क्योंकि नेट बैंकिंग से फी पे करने में काफी कम चांसेस होते हैं किसी सर्वर का एरर आने में। नहीं तो जब CGL के फॉर्म शुरू एडिट हुए थे तो उस वक्त बहुत सारे कैंडिडेट की कंप्लेन थी कि सर मैंने पेमेंट कर दिया बट वो अपडेट नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करें। वैसे तो आप इनमें से किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपकी फीस यहां पर सबमिट हो जाएगी तभी जाकर के आपका मॉडिफिकेशन फाइनल माना जाएगा और इस तरह से आप अपने फॉर्म के अंदर मॉडिफिकेशन कर पाएंगे। तो गाइस ये थी जानकारी, और मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि स्पेशल एफर्ट करके रात में ही वीडियो आपके लिए बनाई है। तो अगर आपको लगता है कि वो स्पेशल एफर्ट किया है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मेरी तरफ से गुड नाइट।